गुड मॉर्निंग माय ड्यूटी फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये जी गुड मॉर्निंग का टाइम है, यानी सुबह का टाइम है। सुबह की तकरीबन 9:10 का टाइम था जब मैं उठी, मुझे परफेक्ट टाइम याद नहीं है। लेकिन आज मेरा पराठा बनाने को बिल्कुल मूड नहीं था और मेरा खाने को दिल था, बनाने को बिल्कुल नहीं था। तो ये मैं कल लेके आई थी फ्रोज़न पराठे, तो मैंने सोचा जिसे ट्राई करते हैं, लच्छेदार हैं जी। तो बस कभी कभी दिल जाता है ना पराठा खाने को, और मौसम चेंज हो रहा है, नींद भी ज़्यादा आती है और भूख भी ज़्यादा लगती है। और यहाँ पे जी ये अच्छे वैसे बहुत इजी होते हैं ये वाले, मतलब हम बड़े भी खा सकते हैं, बच्चों के लिए स्पेशल बहुत अच्छे हैं। वैसे अच्छे थे ये वाले पराठे, नॉट बैड। ये ज़रा है कि सहूलत में बहुत ज़्यादा, मतलब आपका दिल नहीं चाह रहा तो आपने बस पराठे को फ्राई किया, और चाहे आप, ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर ऑमलेट भी भर सकते हैं, कुछ भी, चाहे पराठे रोल करके कुछ भी आप इस तरह से बना सकते हैं, तो बहुत ईजी बन जाता है। मतलब जिन खवातीन के बिल्कुल मूड ना हो तो वो उस दिन ये वाला नाश्ता करें, बहुत मज़े का और बहुत लाइट लाइट सा होता है। मैंने इसलिए हल्का सा ऊपर ऑयल लगा रही हूँ। तो आप लोग सब सुनाएं, आप लोगों ने नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया होगा। पता नहीं मेरा ये व्लॉग किस टाइम जाता है, क्योंकि नेट का भी काफ़ी इशू जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने अब कोशिश में हूँ कि मैं रूटीन में आ जाऊँ और आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँ। आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाऊँगी, और आपको पता है मैं जब भी बनाती हूँ बाहर कुछ ना कुछ आया हुआ था, और सुबह के टाइम आपको पता है घर के बाहर आवाज़ें इसी तरह से आ रही होती हैं, कभी जी टुकड़े वाला आया हुआ है, कभी सब्ज़ी वाला आया हुआ है, तो ये चलते ही रहते हैं, आप भी इंजॉय करें। तो हालांकि ये आवाज़ें बड़ी, जो लोग परदेश में है ना, ये आवाज़ें बड़ी मिस करते हैं। वो मुझे याद आ गया कि वो हमारी फैमिली में एक बाहर है, तो वो कहते हैं ये जो बाहर से आवाज़ें आती हैं ना, मतलब सब्ज़ी वाला सब्ज़ी ले लो ये, वो कह रहे थे कि मैं इन्हें भी मिस करता हूँ। तो ये देखें जी, जो पाकिस्तान से बाहर हैं वाकई उनके लिए बहुत वो है कि हर चीज़ मिस करते हैं, और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। तो मैंने हल्की हल्की, मैंने सोचा क्योंकि जल ना जाए ये, क्योंकि मैदे के बने होते हैं पराठे, तो क्रिस्पी हैं क्योंकि लच्छादार हैं, देखते हैं जी लच्छादार कैसे हैं। वैसे मैं और कंपनी के लिए थी, ये वाली जो कंपनी है मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, देखते हैं जी। और मैंने हल्की सी फ्लेम रखी हुई है ताकि हल्की हल्की सी आंच पे मैं बनाऊं। वैसे मेरा प्रॉपर आजकल बिल्कुल नाश्ता मतलब नहीं था, और कभी बस जूस पी लिया, कभी फ्रूट खा लिया। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने जी चने भी मंगाए और साथ में जी पराठा भी, और बनाने को मूड नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है ना सुबह सुबह के टाइम में बिल्कुल खाने को भी दिल नहीं करता कभी कभी। और अब शायद मुझे लगता है कि सर्दियों में जो है ना बहुत ज़्यादा हमें भूख भी लगती है, और मज़े मज़े के डिशेस भी बनती हैं घर पे, क्योंकि गर्मी नहीं होती ना, दिल चाहता है आराम से बना लो आप किचन में। तो सोनिया का जी पूरा टाइम किचन में गुजर रहा है आजकल, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यहाँ पे जी मेरा लच्छेदार पराठा जो कि वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो आज ऑमलेट भी मुझे नहीं खाना था, बस आज चने खाने थे। और ये साइडों पे ज़्यादा फ्लेम थी, उसकी वजह से ज़्यादा डार्क ब्राउन हो रहा है, इसलिए मैं हल्की फ्लेम से ताकि सेंटर में भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो वैसे माशाल्लाह दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खा टेस्ट से पता चलेगा जी ये कैसा है। और बहुत मतलब पकने के बाद ये इतना लाइट वेट हो गया कि बस मतलब हल्की फुल्की भूख है, मतलब सुबह के टाइम आपका इजीली हो सकता है, या फिर आप रात में कुछ भी इसमें पॉप डाल दें, चिकन मतलब बारबेक्यू डाल दें, और साथ में वेजिटेबल डाल के वो मज़े का रोल बन जाएगा। तो ये देखिए जी लच्छेदार, इसके लच्छे भी आपको सेंटर में नज़र आ रहे होंगे। तो साथ में जी मैं डाल रही हूँ चने, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत दिखने में तो बहुत मज़े के लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ खाने में भी बहुत मज़े के थे। तो जी नाश्ते यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया है। नाश्ते के बाद मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कुछ पेंटिंग्स, जो कि बहुत छोटी सी बच्ची ने बनाए हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी।
आजकल मुझे बहुत शौक़ हुआ है कि जी मैं भी पेंटिंग सीखूं और कुछ इस तरह से बनाऊं। तो ये देखिए जी इनकी पेंटिंग्स हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं और काफ़ी मेहनत का काम है आर्ट ये जो है। हालांकि हमारे मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ व्लॉग्स दिखाए थे जो हमारे भावलपुर के आर्ट डिपार्टमेंट उन्होंने बनाए थे, तो माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है। मैं भी ट्राई करूँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने क्या ट्राई किया। तो मैं सोच रही हूँ अभी तो देख कर, क्योंकि वो देख कर मेरा भी दिल को कुछ होने लग गया कि जी मैं भी बनाऊँ। और मुझे शौक है वैसे, मतलब आसमान ये वो, मतलब मुझे जैसे वो कहते हैं ना कि इंसानों की शक्लें वो बनाने का दिल नहीं करता, बस इसी तरह से फ्रेम हो कुछ ऐसे ही जैसे मतलब सब्ज़ा फूल इस तरह की चीज़ें बनाने को दिल करता है। तो माशाल्लाह से ये बहुत मुझे खूबसूरत लगी और बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी मैं दिखाऊं। और साथ में जी कुछ कार्ड्स वगैरह भी हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जो इन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है। बच्चों को स्टडी के साथ साथ एक्टिविटीज़ में भी होना चाहिए, कुछ जैसे बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं और कुछ पेंटिंग में। तो और ये जी इन्होंने बर्थडे के लिए कुछ डिज़ाइनिंग और कुछ केक्स मतलब हैंडमेड बनाए हैं, और यहाँ पे इन्होंने पेस्ट किए थे पेंटिंग के साथ साथ कार्ड्स के साथ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो देखिए मतलब छोटी सी बच्ची ने बनाया है और कितने मतलब माशाल्लाह टैलेंट की बात है। तो इसी तरह अपने बच्चों को भी आप थोड़ी सी एक्टिविटीज़ दिया करें ताकि बच्चे फ्रेश हो जाएं और अच्छे लगते हैं, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं स्टडी से तो बच्चे दूर ही भाग रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप बताइएगा कि आपको कौन सी पेंटिंग ज़्यादा अच्छी लगी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा।